हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्पायर 3D एंड VFX। आज हम करने वाले हैं स्लाइड ट्रांजिशन, और हमने पिछले वीडियो में किया था जूम ट्रांजिशन। जिसने मेरी जूम ट्रांजिशन की वीडियो नहीं देखी है वो पिछले वीडियो में जाके देख सकता है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। तो आज हम स्लाइड ट्रांजिशन करेंगे कि जो कि डाउन से अप जाएगा। तो आइए हम उसके बारे में देखते हैं कैसे हम उसको ट्रांजिशन को क्रिएट करेंगे। तो हमें सबसे पहले चाहिए होती है एक एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर को सिंपली हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने टाइमलाइन के ऊपर, और हमारे बीच का जो सेंटर पॉइंट होता है, इस सेंटर पॉइंट पे आकर हमको शिफ्ट प्रेस करके और लेफ्ट एरो दबाएंगे तो ये 5 फ्रेम साइड में आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ से सिंपली कट कर देना है। इसी तरह से फिर से हम शिफ्ट दबा के बीच से राइट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे ये इफेक्ट वो 5 फ्रेम कट जाएगा। हम इसको यहाँ से भी कट कर देंगे। हमने कट किया, अभी हमें इसके ऊपर लगाना है एक ट्रांसफॉर्म इफेक्ट लगाना है, जो कि हम इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं ट्रांसफॉर्म। तो हम सिंपल ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट सर्च किए हैं और ये आ गया हमारा ट्रांसफॉर्म। हमें इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है अपनी एडजस्टमेंट लेयर पर। ये हमने अप्लाई किया, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने कंट्रोल इफेक्ट में। अब आप देख रहे हैं जो बीच में हमारे सेंटर में जो लाइन है, इस सेंटर लाइन के अकॉर्ड बिल्कुल सेंटर लाइन में हम यहाँ पे पोजीशन में, पिछली बार हमने स्केल में किया था तो इस बार हमें करना है पोजीशन में। पोजीशन में हम एक यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, एनिमेशन की ऑन करेंगे तो हम इसको ऑन कर देते हैं। अब यहाँ पर जो आपको वैल्यू दिख रही है, अब हम इसको यहाँ पर एक वैल्यू देंगे, हम इसको यहाँ पर एक वैल्यू देंगे 14। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाते हैं एक फ्रेम बैक आ जाते हैं, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू देंगे 117। ये हमने इसकी वैल्यू दे दी। अब आ जाते हैं फर्स्ट वाले फ्रेम पर, जो कि हमारे सबसे फर्स्ट में है। फर्स्ट वाले फ्रेम पे आने के बाद हम इसकी ओरिजिनल वैल्यू रखेंगे जो कि होती है 540। ये हमने 540 इसकी वैल्यू दे दी। अब यही वाली वैल्यू हमको लास्ट में भी देनी है, हम इसको यहाँ सिंपली कॉपी करेंगे और लास्ट वाले फ्रेम पर जाकर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी हमने पेस्ट कर दिया है, ये हमारा ट्रांजिशन बन चुका है। अब हमें थोड़ी सेटिंग्स करनी है। स्केल को हम कर देना है हमें 300, और यहाँ पे आप थोड़ा सा डाउन कीजिए, यहाँ पर आता है शटर एंगल। अब शटर एंगल को हम यहाँ पर कर देंगे 180। ये हमने इसको 180 किया। अब हमको जितने भी हमने टोंगल लगे हैं, अब हम इसको कर देने इजी इन। तो हम सिंपल इनको सभी को इजी इन कर देंगे। ये हमने सबको जाके इजी इन किया। अब इजी इन करने के बाद अभी हमें क्या करना होगा, जो हमने जो एनिमेशन जो हमने टोंगल लगाए हैं, इनको हमें इसका पैराग्राफ देखना है। तो पैराग्राफ जाके देखेंगे। अब फर्स्ट वाले का जो पैराग्राफ है, हमें इसको बिल्कुल स्ट्रेट खींचना है। यहाँ पे को दिख रहा है जो बिल्कुल इसको थोड़ा स्ट्रेट करना है, अभी कर्व में है, हम इसको बिल्कुल ही स्ट्रेट लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे ताकि यहाँ पर एक एंगल बन जाए। इसी तरह से हम इसको भी ऊपर की तरफ लेके जाएंगे लिटिल बिट ऊपर। इसका सेकंड वाला पॉइंट भी ऊपर लेके जाएंगे। एडजस्टमेंट बस आपको थोड़ी सी सेटिंग्स के साथ यहाँ पे खेलना है, हल्का सा, ज़्यादा कोई माइनर सेटिंग्स नहीं है, बस हल्की सी सेटिंग्स है। और ये हमने इसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया, लास्ट वाले में भी हम उसको थोड़ा सा इधर की तरफ ड्रैग कर लेते हैं, राइट की लेफ्ट की तरफ। इसको हल्का सा खींचेंगे और देन अब यहाँ पे जो ये वाला जो हमें जिसकी वैल्यू दी थी, इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच किया, अब ये वाला जो पॉइंट है, अब इसको थोड़ा सा इन दोनों पॉइंट के बीच में लेके आना है। ये हमारे दो फ्रेम्स है, इन दोनों फ्रेम्स के बीच में थोड़ा सा बीच में ड्रैग कर देना है लिटिल बिट। यह ठीक है, अब आप देखें कि हमारा जो एनिमेशन है ये बन चुका है, इसको बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन।
तो अभी हम इसको देखने के लिए क्या करेंगे, अभी हमें यहाँ पे देखो क्या करना है, अभी हमें अच्छा दिखेगा नहीं, हमें एक लेना है बेस लेयर। तो बेस प्रीसेट के लिए हमने जैसे पिछली वीडियो में दिखा सिखा था, जिसने नहीं देखा मैं आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आप वहाँ पर जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, सिंपली सी इसको उठा के ऊपर की तरफ कॉपी कर देंगे। ठीक है, ये मैंने इसको उठा के ऊपर कॉपी किया और नीचे वाले पे जो हमने जो ट्रांजिशन का इफेक्ट लगा हुआ था इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। और फर्स्ट वाले पे हमारा ट्रांजिशन लगा हुआ है, हम इसको कुछ नहीं करेंगे, ऐसे रहेगा। देन सेकंड वाले पर आकर इफेक्ट में जाएंगे, प्रीसेट में जाएंगे और प्रीसेट में हमारा जो लगा था बेस प्रीसेट, तो बेस प्रीसेट मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था, वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं कैसे बनाया था मैंने। और सिंपली ये बन चुका है, अब इसको हम इन और आउट लगाकर इसको एक रफ रेंडर निकाल लेंगे जिसे हम आपको आप इजीली दिख सके। अब हम जाएंगे सीक्वेंस रेंडर इफेक्ट में इन और आउट, ये हमारा इसका रेंडर निकल चुका है। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा एनिमेशन बन चुका है, तो ये हमारा इसको बोलते हैं स्लाइड ट्रांजिशन। ये आपको बने बने प्रीसेट्स भी मिल सकते हैं, लेकिन ये हमें इसको आपको बनाना सिखा रहे हैं कि कैसे हम इसको खुद से क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास ये ट्रांजिशंस नहीं हैं। तो अब हम क्या करेंगे इसको, अब अगर हमको नेक्स्ट वीडियो में भी ये यूज़ करना है तो हमें सिंपली इसको एक प्रीसेट में कन्वर्ट करना होगा। सेव में जाके सेव प्रीसेट, इसका हम नाम दे देंगे स्लाइड अप। ठीक है, ये स्लाइड अप करके हमने इसको नाम दे दिया। और सिंपली आप जब भी इसको यूज करना होगा तो इसको आपको सिंपली अपनी ऊपर वाली लेयर पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अभी हमने इसको रिमूव कर दिया, अब हम देखेंगे कि हमारा कोई भी प्रीसेट नहीं लगा हुआ है, जो कि नीचे वाली लेयर का आपको जो दिख रहा है ये नीचे वाली लेयर है। और हमें इसको सिंपली प्रीसेट को अप स्लाइड अप को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है फर्स्ट वाली लेयर पर, और ये सिंपली बूम। अभी आप देखेंगे इसको प्ले करते हैं, ये हमारा प्रीसेट काम कर रहा है। आई होप कि आपको ट्रांजिशन बनानी आ गई होगी, कैसे हम स्लाइड ट्रांजिशन बना सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे मोटिव मिलता है कि मैं आने वाली वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई प्रीसेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।